क्या इश्क में कोई इतना पागल हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले? ऐसा सोचकर भी मन सिहर जाता है। जिसके साथ कोई कुछ दिन बाद ही अपना घर बसाने की सोच रहा हो, उस लड़की के शादी के लिए मना करने पर लड़के ने उसकी जान ले ली। ताजा मामला यूपी के जालौन में घटित हुआ, जहां लड़की ने लड़के से बात करना क्या बंद कर दिया, लड़का उसकी जान का प्यासा हो गया और आखिर में उसने लड़की की जान ले ली। सड़क पर पड़ी ये लड़की मौत के मुंह में चली गई है। इसका गुनाह बस इतना था कि इसने आरोपी से बात करनी बंद कर दी थी और इस बात पर उस सिरफिरे ने युवती की जान ले ली। दिन दहाड़े बीच सड़क पर वो लड़का अपने साथी के साथ आया और लड़की की कनपट्टी पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सभी घटना स्थल पर पहुंचे पर किसी ने लड़की को अस्पताल नहीं पहुंचाया। बताया गया है कि गोली लगने के दौरान लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन उसकी मदद को कोई आगे नहीं आया। हाँ, सूचना मिलने पर पुलिस जरूर पहुंची, पर तब तक उसने दम तोड़ दिया था। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। चलिए अब आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। जालौन जिले के एट के कोटरा चौराहे के पास दो मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने कॉलेज छात्रा रोशनी को गोली मार दी। एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज अहिरवार और रोहित ने कोटरा चौराहे पर बीए सेकेंड ईयर की छात्रा रोशनी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह यहां रामलखन पटेल कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रोशनी परीक्षा में शामिल होने आई थी। आज सुबह थाना एक क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 11:30 बजे लगभग घटना हुई थी, जिसमें दो अज्ञात लड़कियों ने एक लड़की के ऊपर हत्या किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके उपरांत परिजनों के द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राज अहिरवार एवं उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध, जिसके संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं चार टीमें गठित करके लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें मुख्य अभियुक्त राज अहिरवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के उपरांत उसने जो पूरा प्रकरण बताया एवं अन्य जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उसके आधार पर प्रकरण ये पता चला कि लगभग एक वर्ष से अधिक समय से ये राज एवं युवती दोनों संपर्क में थे और दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी सोशल मीडिया के माध्यम से एवं फोन के माध्यम से, एवं बीच बीच में ये लोग मिलते भी थे। लेकिन दो महीना पूर्व किसी कारणवश दोनों के मध्य कुछ विवाद हुआ और लड़की ने उससे बात करना बंद कर दी थी, जिससे ये नाराज हो गया था। इसके द्वारा कई बार प्रयास किया गया लेकिन लड़की ने इससे मना कर दिया था। उससे खुद होकर आज ये अपने साथी के साथ जो कि उसका मंदिरा भाई है उसके साथ उसने आकर जिनमें ये घटना कारित की लगभग 11:30 बजे, उसमें लड़की की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो आज जब उसको गिरफ्तारी के उपरांत जो गाड़ी से जिस गाड़ी से उसने घटना कारित की उसकी नंबर प्लेट उसने घटना स्थल से पहले एक जगह से दी थी, जो मान्य सामान भी था उसको रिकवर करने के लिए जब पुलिस उसको यहाँ पर लेकर आई तो उसमें एसएसओ की पिस्टल टीम से पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। आत्मरक्षा उसके ऊपर पुलिस ने फायर किया जिसमें ये घायल हुआ है गोली लगने से एवं उसके उपचार के लिए हॉस्पिटल उसको भेजा गया है। तो ये पूरी बात थी, इसमें दोनों ही काफ़ी क्लोज थे, दोनों जान पहचान थी और सजातीय होने के कारण दोनों को शादी का भी घर वालों ने बोला था कि करवा दी जाएगी। एसपी ने बताया कि जांच के बाद ये पता चला है कि रोशनी और आरोपी राज एक साल से अधिक समय से संपर्क में थे। चूंकि दोनों एक ही जाति से थे इसलिए उनके परिजन उनकी शादी के लिए सहमत हो गए, लेकिन दो महीने पहले रोशनी ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया जिससे वह परेशान हो गया था। पुलिस ने कहा कि लड़की से मिलने में विफल रहने के बाद उसने ये कदम उठाया और रोशनी की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी।